जिसे तंदूरी चाय भी कहते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं तंदूरी चाय। तो हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं लंच बना दिया था, मतलब क्योंकि सुबह सुबह मैं लंच बना देती हूँ, इनका टिफिन पैक कर रही थी तो उसके लिए मैं रोटी बना रही थी। तो अभी मैंने स्टार्ट किया व्लॉग, तो मैंने कहा आज का व्लॉग बनाते हैं। वैसे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मैं व्लॉग भी बनाऊं, बट रूटीन वर्क बताना आपको, वही काम, वही जो सब लोग, आप लोग करते हो वही मैं करती हूँ। तो अभी एक तरफ मैंने यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, अभी मैं रोटी बना रही थी, तो चलिए फटाफट रोटी बना देती हूँ। और सब्जी में बनाई है मैंने ग्वारफल या आलू की सब्जी, काचरी थी नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। तो फटाफट रोटी बनाते हैं। तो मैंने रोटी तो बना दी है, बना दिए, दो ही रोटी ले जाते हैं। और ये जो रोटी है वो मिक्स आटे की रोटी है, मतलब बहुत सारे आटे इसमें, मतलब बहुत सारा अनाज मैंने मिक्स करके आटा पिसवाया है। तो ये मिक्स आटे की रोटी है जो ये खाते हैं। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये खाती, बट ये हमेशा ये खाते हैं। मैं कभी कभी चेंज कर लेती हूँ, कभी गेहूं की रोटी खा लेती हूँ। और क्या, दूध भी हो चुका है। तो रोटी बन गई है, मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हाय एवरीवन, उस समय मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बट सुबह के बाद में मैं दूसरे काम में लग गई, मतलब ये हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद में दूसरे घर के जो काम होते वो निपटाने में लग गई। उसके बाद से उनकी ऑनलाइन क्लास थी, और ऑनलाइन क्लास के बाद में मैं स्वीटू को स्कूल लेने चली गई, क्योंकि अभी भी स्कूल ऑफलाइन चल रही है। हाँ, अभी बोला है कि 1 दिसंबर से कुछ चेंज होने वाला है, तो जो भी नई गाइडलाइन होगी वो स्कूल वाले भी फॉलो करेंगे, तो वैसे ही नोटिस आ जाएगा स्कूल की तरफ से, बट अभी स्कूल जा रही है। और तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 4:30 बजे, और मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो मैंने सोचा आज कुल्ला वाली चाय बनाते हैं, और उसकी कैसे बनाते हैं वो चाय, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई एम अ टी लवर, तो जो भी टी लवर है प्लीज टैग करना। छोटी मोटी जो भी स्टोरी होती है, जो भी अपडेट होता है, वो मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ, अपडेट करती हूँ वहाँ पर भी, तो प्लीज वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि जल्दी से जल्दी फटाफट से 1K हो जाए। और वो आपके सपोर्ट के बिना, और ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुल्हड़ वाली चाय। तो बहुत ही इजी है, पर उसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं कुल्हड़ वाली चाय। तो उसके लिए सबसे पहले बनानी होगी हमें चाय, तो मैं बनाऊँगी अदरक वाली चाय, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। वैसे काली मिर्च वाली चाय भी मुझे पसंद है, बट सबसे फेवरेट चाय बोलो ना तो यस, अदरक वाली चाय। मसाले वाली चाय थोड़ी सी मुझे कम पसंद है, और इलायची वाली भी चाय मुझे कम पसंद है। इलायची अगर चाय में डालते तो ऐसा लगता है कि दूध का फ्लेवर आता है, इसलिए मेरी फेवरेट है अदरक चाय। तो चलिए फटाफट बनाएंगे अदरक चाय। और इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस कुल्लर चाय के लिए कुल्लर चाहिए, और बनाएंगे हम कुल्लर वाली चाय, जिसे तंदूरी चाय भी कहते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं तंदूरी चाय। तो अभी गेट पे घंटी बजी है, मुझे लग रहा है कि या तो ये आ गए हैं, पर अभी तो टाइम आ रहे हैं, तो देखते कौन आया है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। पीडब्ल्यूडी से कोई आए थे देखने के लिए, एक्चुअली मैं कंप्लेन करके आई थी, जो उन्होंने फर्नीचर बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा गैप रह गया था, तो वो दिखा नहीं थी, और उसमें जो चुंबक लगाए थे, जो मैग्नेट लगे हुए थे, वो सही मतलब काम नहीं कर रहे थे, तो वो सब मैं कंप्लेन लिखवा के आई थी, तो आई थी। और फिर बस उसके बाद ये भी आ गए, तो पहले मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद बनाएंगे हम खाना। और गाइस, मैं जीत गई लूडो मैच में। तो क्यों, इनके पेशेंट आ गए, तो ये आते ही ना लूडो मैच खेल रहे थे, बहुत लूडो खेलते ये, तो इसको देखे गए कि ये खेल। और आज ये थोड़ी स्कूल से आई, तब से इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, तो इसको खेलने नहीं भेजा आज। थोड़ा सा बुखार आ रहा है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, वायरल बुखार चल रहा है, तो इसको भी था थोड़ा सा, तो आज ये खेलने नहीं गई है।
और दोपहर में इमरजेंसी एक पार्सल आया था, वो भी अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे अनबॉक्सिंग क्या करेंगे, वो अनबॉक्सिंग तो हो चुका है, उन्होंने खोल दिया है, अभी देखेंगे। उसमें स्वीटू के लिए यूनिकॉर्न किट मंगाया था ना स्वीटू, और स्मार्ट वॉच जो इन्होंने अपनी मंगवाई है तो वो है, लेकिन पहले बनाएंगे तंदूरी चाय। तो चलिए बना रही मैं सिंपल सी चाय, जिसकी रेसिपी आप सबको आती होगी, बताने की जरूरत नहीं है। कि दूध लेंगे, पानी लेंगे, चाय पत्ती, शक्कर और अदरक। बॉयल हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध और अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और बॉईल होने के बाद में इसमें ऐड करेंगे हम शुगर, फिर रेडी हो जाएगी और फिर इससे हम बनाएंगे तंदूरी चाय। ऐड करेंगे हम शक्कर, बस 2 मिनट और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि इसमें शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी अदरक वाली चाय रेडी हो जाए। और ये चाय बनने के बाद में हम बनाएंगे तंदूरी चाय। अब हम बनाएंगे कुल्लर वाली चाय, कुल्लर से चलिए बनाते। तो हमने कूलर को अच्छे से पहले पानी से धो दिया है ताकि चाय में जो स्मेल होती है वो और ज्यादा अच्छी आए। तो इस कूलर को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। वैसे बेसिकली इस कूलर को तंदूर जो होता है उसमें गर्म करते हैं, इसलिए इस चाय को तंदूरी चाय कहते हैं, बट घर पे हम ऐसे बनाएंगे, हमें इस तंदूरी चाय का मजे लेने हैं। इसे अच्छे से गर्म करेंगे। चाय को मैंने लोटे में छान ली है और अब हम कुल्लर को किसी बर्तन के अंदर रखेंगे और ऊपर से हम चाय को डालेंगे, जैसा कि वीडियो में आप देखोगे। तो जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। ये बन गई हमारी कुल्लर वाली चाय, तंदूरी चाय, नॉट ए कुल्लर वाली चाय, तंदूरी चाय। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं कप में और फिर लेते हैं मजे चाय। मम्मी को चाहिए नोना, मम्मी ये गर्म नहीं है। बहुत अच्छे जा गए हो, मतलब एक्साइटेड हूँ गाइस एक्चुअली पीने के लिए। तो चाय पी, चाय नहीं मिलेगी दोनों को। हाँ मम्मी मैं बीमार हूँ गाइस, देखो बीमार होने का फायदा। तो हमारी तंदूरी चाय बनके रेडी हो गई है, अच्छी बनी, टेस्ट तो अच्छा आ रहा है, टेस्ट करके मैंने देखी है। चलिए मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ और फिर वो दोनों वहाँ पे पार्सल खोल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग तो नहीं बताएंगे, खुल चुका है पार्सल। तो चाय खत्म करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो पार्सल खोल रहे हैं। तो ऐसे करती हूँ, चाय वहाँ लेकर ही जाती हूँ और साथ साथ में बताती हूँ आपको। तो आराम से बैठ के पियेंगे चाय और फिर बनाना खाना, क्योंकि फिर इनके लेट हो जाएगा। तो ये चाय मैं फटाफट पीऊँगी, आपको बताती हूँ कि ये देखो पार्सल खोल रहे हैं। तो मैं कैमरे को बैक करूंगी और फिर बताती हूँ आपको। ये है स्मार्ट वॉच, कैसे पैकिंग है ना। सोम के सोम को भी वॉच बहुत पसंद है, सोम वॉच पसंद है ना बहुत ज्यादा। अरे थोड़ी है कि बेटा, अरे पापा की माप की बेटू, आपके मान पक्का मान है। अच्छा रोना नहीं, रोना छोड़ ना बाबा,
तो सोम को आ गया गुस्सा कि उसके वॉच नहीं आई है, वो गुस्से रोने लगे। वाह लग तो अच्छी रही हो। वॉच का जो कलर है वो है जेड ब्लैक। इसमें एक और कलर अवेलेबल था लेकिन हमने जेड ब्लैक ही मंगवाया और ब्रांड नेम है नॉइज। मैं ला लूंगा बस, प्रॉमिस किया ना, रोना बंद करो। अभी रोना हो गया। मंगाएंगे आपके वॉच मंगाएंगे। अच्छा चार्ज होती ना। इस वॉच की सबसे अच्छी बात है कि इस वॉच को डिज़ाइन किया गया है इंडिया में और ये फिटनेस ट्रैकर है। तो अगर आप अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहते हैं तो इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वॉच के साथ एक और किट था, यूनिकॉर्न किट जो स्वीटो ने मंगाया, तो उसी की इसने अनबॉक्सिंग कर दी। मैं बैक कैमरा करके आपको बताती हूँ। तो ये है यूनिकॉर्न किट, यूनिकॉर्न ना। हाँ। क्या क्या है इस किट में? तो एक साथ ही आया था पार्सल। इरेजर है, किचन, बैच, डायरी। ये साथ में नहीं आई, ये किसी ने इसको गिफ्ट दी थी, कोई दीदी ने, रमना दीदी ने ना। ये पेंसिल है और साथ में ये छोटा सा पर्स, ये जैसे डायरी है, ये बैच है, किचन है। तो नाइस किट है। तो वॉच का और इस किट का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज वीडियो की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही ना, जुकाम हो रहा है। हाँ। इसको ओपन करके खोल, इसको वन जिप वाला ये। चलिए तो अब चलते हैं किचन में। तो ये सामान था, तो अभी मैं किचन में आ गई। मतलब किचन में आया हुआ मुझे बहुत टाइम हो गया। हमने खाना मतलब इन्होंने खाना खा लिया, मुझे खाना हमने हमारे लिए बनाई थी टमाटर और हरे टमाटर और मिर्ची की सब्जी। हरे टमाटर हरी मिर्ची की सब्जी बनाई थी, इन्होंने खाना खा लिया, मैं भी थोड़ी बात खाऊंगी। और बच्चों के डिमांड में मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा, क्योंकि स्वीटू का थोड़ा सा ना जुकाम और ऐसे थोड़ा सा गला खराब लग रहा है, तो उसने बोला मेरे लिए उपमा बना दो, तो उसके लिए उपमा बना रही हूँ। मैं एक जोश बंद कर लेती हूँ, तो उसकी आवाज़। उपमा बन चुका है, तो ये गर्मा गर्म धनी। उपमा रेसिपी का वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। लेमन जूस बस अभी से दो मिनट रखेंगे, और अगर आप चाहें ऊपर से इसमें घी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा बर्तन धो लेती उपमा, तो गर्मा गर्म इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी हम लोग टीवी देख रहे हैं। सो लेट्स गो, मम्मा बुला रही है एक्चुअली। मैंने अपनी थाली लगा दी है, तू भी खा ले फटाफट। तो तुम दोनों खाना खा लो, आपके भी घी डाल रहे हो। क्या बनाना बताओ? ये दवाई बनानी, मम्मा दवाई होती है ना। अब चलो आप फटाफट फिनिश करो, मैं भी खाना खाती हूँ, ठंडा हो जाएगा। हो गया अच्छे से। तो मैंने खाना भी खा लिया है और किचन भी एकदम क्लीन हो गई है, बस वहाँ पे तेल और पड़े हैं और पालक साफ करने के लिए रखा है, तो आके करूँगी। सुबह की तैयारी मुझे रात को ही करके रखनी होती है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग, तो इन्हें बोलती हूँ चले वॉकिंग। आज के वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।